सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हरिहरगंज स्थित प्रखंड कार्यालय में बुधवार को छतरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी जागो महतो, जनप्रतिनिधियों व नगर पंचायत के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमृतेश कुमार सिंह के साथ विशेष बैठक की, जिसमें अधिकारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमृतेश कुमार सिंह के साथ विशेष बैठक की जिसमें अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए, साथ ही इससे संबंधित कई भ्रांतियों को भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने बताया कि 250 स्क्वायर फीट तक बने घरेलू आवास, मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट, कब्रिस्तान सहित सभी सार्वजनिक स्थलों का घरेलू आवास पर वार्षिक 70 पैसे प्रति स्क्वायर फीट होल्डिंग दे है, जिसमें 25% छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक एक भी ट्रेड लाइसेंस नहीं काटा गया है, जबकि इसके लिए पहले ही फॉर्म वितरण किया जा चुका है। जो बड़े व्यवसायी होल्डिंग नंबर के लिए तत्परता नहीं दिखला रहे हैं, वैसे व्यवसायियों को चिन्हित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। वैसे व्यवसायियों का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की बातें कही। साथ ही उन्होंने बीते 21 नवंबर के बाद विलंब शुल्क के मामले में कहा कि दुर्भाग्यवश इसकी तिथि समाप्त हो गई है, जिस कारण बहरहाल 2000 रुपये के साथ विलंब शुल्क लिया जा रहा है। इसी लेकर जनप्रतिनिधियों की मांग के आलोक में विलंब शुल्क माफ करने के लिए सरकार से पत्राचार किया गया है। मौके पर प्रमुख संतोषिया देवी, जीप प्रतिनिधि प्रमोद कुमार रवि, कमलेश कुमार यादव, जितेंद्र कुमार मेहता, भाजपा नेता राजीव रंजन, पंसस अमित कुमार सिंह, रामजी पासवान, अखिलेश पासवान, जोगेश्वर मेहता, विजय सिंह आदि मौजूद थे। हरिहरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट। और चुनाव थोड़ा कोरोना काल के कारण रुका हुआ है, परंतु नागरिकों को जो नगर पंचायत का लाभ है वो देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण लाभ है होल्डिंग नंबर प्रदान करना। होल्डिंग नंबर नगर पंचायत क्षेत्रों का हक है और उनका एक वैधानिक कागजात है और उसको उनको लेना चाहिए। यह कोई सुविधा के बदले की बात नहीं है, बल्कि होल्डिंग नंबर एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है किसी निवासी का, और उसके लिए कोई सामान्य शुल्क है, एकदम बहुत साधारण सा है, औसतन डोमेस्टिक का या 70-75 पैसा स्क्वायर फीट प्रति वर्ष है जी। 1000 का अगर उसका मकान है तो 700-800 रुपया उसको होल्डिंग देना है। दुर्भाग्यवश इसकी तिथि समाप्त हो गई है जी। 2000 रुपया फाइन के साथ होल्डिंग लिया जा रहा है, वे आराम से भरे। हम लोग का प्रयास है कि ये 2000 रुपया उनका माफ़ हो जाए, आगे एडजस्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग सरकार से पत्राचार कर रहे हैं जी, और उनको जानकारी दे रहे हैं कि जानकारी के अभाव में ही ऐसा हुआ है। और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई दर के बारे में भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होल्डिंग नंबर मिलेगा, लेकिन उनको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। जैसे 250 स्क्वायर फीट तक जिनका भी मकान है जी, वे मुफ्त में अपना होल्डिंग नंबर ले सकते हैं, फाइन उनको भी देना होगा। इसी तरह से मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान को भी कोई होल्डिंग शुल्क नहीं देना है। खाली ज़मीन पर कोई होल्डिंग शुल्क नहीं लगेगा। फाइन अभी उनको भरना होगा, क्योंकि अभी ये सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो उसी को है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, बाद में एडजस्ट।